सो मैंने एक CTS 300 फाइनली मंगा ही लिया। CTS 300 कैसियोटोन CTS सीरीज का थर्ड मॉडल है। नाउ हमें तो ऑलरेडी पता ही है कि कैसियोटोन बिगिनर फ्रेंडली मॉडल्स होते हैं, लेकिन CTS 300 में इन पर्टिकुलर हमें कुछ फीचर्स ऐसे मिल जाते हैं जो बाकी किसी भी कीबोर्ड में इस रेंज के आपको एक साथ बिल्कुल नहीं मिलने वाले होंगे। इफ यू आस्क मी टू कैटेगराइज कि भाई ये कीबोर्ड किसके लिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली कीबोर्ड है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज अ वेरी फन कीबोर्ड। मैं जैमिंग कर रहा था वीडियो बनाने से पहले थोड़ी देर, इसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो जो एक्चुअली बहुत अच्छा लगेगा आपको करते हुए, एंड आपको बड़े बड़े कीबोर्ड्स में ये ऑप्शन नहीं मिलते हैं। I'm pointing towards my 8000 IN. बट एनी वेज दिस इज डेफिनेटली नॉट अ परफॉर्मेंस कीबोर्ड जो आपको CTX 8000 से तो कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। उसकी प्राइस लिटरली इसकी डबल है, ये 9000 का है वो 18000 का है। पहली बात, बहुत लाइट वेट, यहाँ पे लिटरली हैंडल दिया, आप इसको लिटरली हाथ में ब्रीफकेस की तरह लेकर घूम सकते हो। सबसे अच्छी बात तो ये कि इस पे जो कीज आपको मिल जाती है वो उतनी भी खराब नहीं है। अगर आप लेट से फॉर एग्जांपल PSR F51 यामा के, फिर कैसियो का CTK 2550 टाइप के जो मॉडल्स होते हैं उनकी कीज के साथ इसकी की को कंपेयर करेंगे तो ये मच बेटर कीज है। और ये भी बता दूं कि इसमें ह्यूज नंबर ऑफ टोन्स, ह्यूज नंबर ऑफ आपके वो स्टाइल्स वगैरह आ जाते हैं, बट द पॉइंट इज कि उसकी क्वालिटी जो है आप अगर इस रेंज में बाकी कीबोर्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर आप बहुत ही बड़े बड़े कीबोर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे कि मेरा यामा PSR SX600 50000 का कीबोर्ड है, नाउ ऑब्वियसली द कंपैरिजन ही गलत है। इसके साथ मुझे बहुत सिमिलरिटी मिली है रोलैंड गो कीज की, बट रिमेंबर रोलैंड गो कीज 28000 का कीबोर्ड है, ये सिर्फ 8000 का कीबोर्ड है, वेल 9000 का। इसका जो कंट्रोल पैनल है वो बहुत ही क्लीन एंड क्लियर है एंड बहुत ही सिंपल है। पावर बटन के बगल में वॉल्यूम अप डाउन के बटन्स मिल जाते हैं। इस रेंज के बाकी कीबोर्ड्स की तरह ही इसकी भी जो स्क्रीन है वो लाइट अप नहीं होती है। इसको घुमाने पर आपका टोन जो है वो चेंज होने लगेगा। अगर मैं रिदम पर जाता हूं तो मुझे बहुत सारे रिदम्स यहां पे मिल जाते हैं, ऑल टुगेदर 77 रिदम्स है। अगर आपको टेम्पो अप डाउन करना है तो आपके पास टेम्पो का डेडिकेटेड बटन मिल जाता है। सॉन्ग वाले में आपको टोटल 60 सॉन्ग्स मिल जाते हैं। यहां पे आपको ऑनबोर्ड सस्टेन का ऑप्शन मिल रहा है जो कि फैंटास्टिक है इस प्राइस पॉइंट पे। अगर मैं ऑफ कर दूं, फंक्शंस के अंदर अगर आप जाएंगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें दिखने को मिलेगी। आपको ग्लोबल ट्रांसपोज मिल रहा है, आपको पूरा का पूरा कीबोर्ड जो है ट्रांसपोज होगा, आपको टच रिस्पॉन्स का अलग अलग वेरिएशन मिल जाते हैं, रिवर्ब मिल जाता है। ये सारे इफेक्ट्स बहुत ही कूल है, लाइक आप जब बिगिनर लेवल पे कीबोर्ड सीख रहे हैं, आप इसको प्ले कर रहे हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है ये सब। यू नो व्हाट दिस कीबोर्ड इज, दिस कीबोर्ड इज कूल। इसके पीछे की तरफ आपको पोर्ट सेक्शन मिल जाता है जिसमें एकदम राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा सस्टेन पेडल का पोर्ट, USB मिडी कनेक्शन का पोर्ट, फिर पावर केबल, हेडफोन आउट्स जिसको इस्तेमाल करके राइट नाउ मैं इस कीबोर्ड के इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड कर रहा हूं, एंड फाइनली ऑडियो इन का पोर्ट। कैसियोटोन के हर एक मॉडल की तरह CTS 300 भी कॉर्डाना ऐप को सपोर्ट करता है। आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन, टैबलेट, आईपैड वगैरह किसी भी डिवाइस पर, एंड आपका डिवाइस कीबोर्ड के पीछे USB मिडी कनेक्शन पोर्ट के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। कॉर्डाना ऐप में आपको 50 सॉन्ग्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, बट सॉन्ग्स प्ले करने से पहले आपकी पियानो प्लेइंग टेक्निक बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो को जो राइट नाउ आपकी स्क्रीन पर आ रही है।